आजकल की फास्ट पेस लाइफ में किसी के पास सजने सवरने का टाइम ही नहीं है। वो लड़की जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जो खूबसूरत है, जिसमें अदा भी है, पर वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती। बस अब और नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। We will give you what you need. We will help you discover and fall in love with yourself all over again. Hello and welcome to Dazller Eterna presents Love Yourself with me, Akriti Anand, where we give wings to ordinary girls and make them extraordinary. Every episode will showcase a stylist, a makeup artist, and a photographer who will help you dazzle. So, are you ready to love yourself? I am Sonal Gaur Tiwari, और मेरा जो काम है, मैं एक प्रोडक्शन हेड हूँ यूट्यूब चैनल की, कोरियोग्राफी करती हूँ, आर्टिस्ट हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और किड वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। तो इन सब चीज़ों में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अपने लुक्स पे ध्यान दूँ। मुझे जो भी मिलता है मेरी वार्डरोब में, लाइक शर्ट, जैकेट, जीन्स, मैं यही पहनती हूँ एंड उसके बाद में मैं निकल जाती हूँ अपने काम पर। मेरी आंखें छोटी और मेरा फेस ब्रॉड है, ये मुझे जनरली लोग कहते हैं और मुझे नहीं पता इनके साथ कैसे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो आज मेकओवर के बाद मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा जो टॉम बॉयश लुक है वो एक नई सोनल गौर तिवारी में कैसे तब्दील होगा, और मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, इनको दिखा के मैं उनका रिएक्शन देखना चाहती हूँ। तो क्या रिएक्शन आता है उसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। ओके, तो एकदम अपने पिक्चर्स जैसी दिख रही हो। आपने हमें बताया आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप ड्रेसअप कर पाओ, तो क्या आपने कभी कोई एथनिक लुक ट्राई किया है, लाइक साड़ीज, लहंगा, सूट? एक दो बार शायद, और वो भी ज्यादा टाइम नहीं दिया, बस डाला और चल दो। तो हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं अभिमन्यु, आई थिंक उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके ओके, तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ उनके पास। फाइन, लेट्स गो। Sonal, meet Abhimanyu. He's our stylist. Hi Sonal, how are you? I'm fine, thank you. जब सोनल को फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मुझे लगा कि कोई एक्शन फिल्म की कोई एक्ट्रेस आ रही है सामने से, और मुझे डर लग रहा था। पर जब उनके बारे में और जाना मैंने, तो उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी कूल, काम टाइप्स थी, तो जिसपे स्टाइलिंग करके उनको उसी तरीके से दिखाया जा सकता है। वी कैन ट्राई दिस लुक ऑन यू। ये बहुत ब्यूटीफुल है, बट आर यू श्योर ये मुझ पे अच्छा लगेगा? यस, आई एम सुपर श्योर। जो ग्रीन कलर हमने सेलेक्ट किया वो उनके बॉडी कलर को सूट करेगा, और सेकंड चीज, उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी फेमिनिन भी है, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी, स्कर्ट साड़ी इन फैक्ट, जो कि उन पे बहुत खूबसूरत लगेगी। हाय गाइस। हाय। ओह माय गॉड, इज दिस योर आउटफिट? यस। पूरी तरह से तैयार हो, एकदम गर्ली गर्ल लगने वाली हो। वो देखना है क्या होने वाला है, इट्स लाइक मैं कैसी लगूंगी अब इसमें। बट उसके लिए वार्डरोब के साथ साथ एक सुंदर सा मेकअप होना भी जरूरी है। सो लेट्स गो टू साक्षी। श्योर। ओके, बाय बाय, सी यू। बाय बाय। सोनल, ये है हमारी हेयर एंड मेकअप एक्सपर्ट साक्षी, जो आपको बिल्कुल गर्ली गर्ल बना देंगी। सो एंजॉय योर मेकअप विदाउट मिरर्स। ओह सीरियसली? मेकअप को करने के लिए मैंने सबसे पहले उनके स्किन को प्रिपेयर करा। मैंने डैसलर एटर्ना का मॉइस्चराइजर लगाया, जिससे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। जब मैंने उनकी स्किन को प्रिपेयर कर लिया था, स्किन प्रिपेयर करने के बाद सबसे पहले आईज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी आईज़ का ही मेन इशू था। तो मैंने आईज़ पे बहुत सॉफ्ट पिंक शेडो, न्यूट पिंक शेडोज़ के साथ मैंने उनके आईज़ पे वर्क किया। आई मेकअप में मैंने यूज़ करा डैसलर एटर्ना एनचांटे आई शेडो पैलेट। उनके आईज़ को बड़ा करने के लिए मैंने उन्हें एक थिक लाइनर दिया विद लॉन्ग विंग्स, ताकि उनकी आईज़ ज़्यादा ब्यूटिफुल लगे, बड़ी लगे। आई लाइनर में मैंने यूज़ करा डैसलर एटर्ना आई लाइनर। डैसलर एटर्ना काजल सुप्रीम, जो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक शेड के अंदर है, ये वन स्ट्रोक के अंदर ही अप्लाई हो जाता है,
और बहुत ही सॉफ्ट इसका एप्लीकेशन रहता है. इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है. मैंने उनके आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए डैसलर टर्ना का मस्कारा यूज़ किया. ये बहुत ही ब्यूटीफुल मस्कारा है जो कि 3D इफेक्ट देता है आईज़ में. अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें फॉल्स लैशेज जनरली हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. एज सच सोनल के फेस पे कोई खास स्पॉट नहीं थे, बट हाँ थोड़ी सी उनकी अंडर आई डार्क सर्कल थी जो मैंने ईजिली कंसील कर दिया था. विथ डैसलर एटर्ना ट्रिपल सी पैलेट इसमें कॉन्टोर्स हैं, हाईलाइटर्स हैं और कंसीलर्स हैं. ये एक 3-in-1 पैलेट है, तो उसको अप्लाई करके उनकी आईज के अंदर जो डार्क सर्कल्स थे उनको रिमूव कर दिया. जो भी स्मॉल जो उनके स्पॉट्स थे फेस पे उनको भी इससे कंसील कर दिया था. फेस मेकअप में मैंने यूज़ करा डैसलर एटर्ना मेजेस्टिक मेकअप स्टिक. ये एक फाउंडेशन है जो क्रीम बेस में है. ये कंसीलर का भी काम करती है और ये एक फाउंडेशन का भी काम करती है. और अगर आपको मेकअप का स्टे बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. आपका मेकअप भी बहुत ब्यूटीफुल आएगा, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन आएगा. और आपके स्किन में जो भी इश्यूज़ हैं, अगर आप कंसीलिंग भी प्रॉपर नहीं करते तो खाली इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो स्किन के सारे इश्यूज छुप सकते हैं. सोनल के मेकअप को लॉक करने के लिए मैंने यूज़ किया डैसलर एटर्ना शीयर ग्लो कॉम्पैक्ट पाउडर. ये मेकअप का स्टे इंक्रीज कर देता है, मेकअप को फिक्स कर देता है. मेकअप का लुक तभी कंप्लीट होता है जब हम अपने लिप्स के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर लगाएं. डैसलर एटर्ना का जो लॉन्ग स्टे लिप कलर जो है वो मैंने इसमें यूज़ किया, जिससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डार्क पिंक कलर आया. नेल्स पे मैंने अप्लाई करा डैसलर एटर्ना नेल ग्लिटर. उनका फेस बहुत ब्रॉड था जिसकी वजह से मैंने उनको स्ट्रेट लुक दिया. बस अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप कैसे लग रहे हो. Even I am also excited. Okay, so let me show you how you look. Keep your eyes closed. Okay? थोड़ा सा लेफ्ट में मुड़िए. All right. And open your eyes. Oh my God. मैंने सुबह से मिरर नहीं देखा था एंड जब मैंने मिरर देखा माई गॉड, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इट्स लाइक वो मैं ही हूँ. इट्स लाइक इट्स अ न्यू सोनल. कितनी प्रिटी लग रही हो. कई जमाने वो जीन्स पहन के. सीरियसली आई विल चेंज माय वार्डरोब सीरियसली. अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ये वाला लुक देख के सबसे ज्यादा खुश कौन होने वाला है? आई जस्ट वॉन्ट कि हाँ अगर मेरी मदर देख पाती है ये चीज़ ना. हाँ तो चलो मेरा हाथ पकड़ो और बुलाते हैं मम्मी जी को. ओके मम्मी जी कहाँ हैं आप, आ जाइए. और फिर मेरी मॉम का आना, बाय गॉड, मतलब वो भी अनएक्सपेक्टेड था. मतलब मॉम ने मुझे देखा, अगर आज मेरी नानी जी भी होती तो वो बहुत बहुत खुश होती है ना. वो ऊपर से भी देख रही हैं तो शी इज़ फीलिंग प्राउड. मैंने कभी ऐसे रूप में देखा ही नहीं उसको, आज पहली बार देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे शांति मिली अंदर से कि उसने ऐसा ड्रेस पहना. तो मेकओवर से मुझे नहीं पता था इतना चेंज आता है आपके लुक में. फ्रॉम हेड टू टो आई एम चेंज टोटली एंड इट्स सो ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड. सोनल अपना ये फेमिनिन लुक अपने पूरे परिवार के साथ शेयर कर पाए इसलिए वी आर ऑल्सो गिविंग हर अ सरप्राइज फोटोशूट विद आवर फोटोग्राफी चैंप अभिनव. When Sonal came for the photo shoot, she was completely transformed. Her look was very feminine. I was very impressed. Well, in today's setup, we had this dreamy look that always works whenever you want to, you know, flaunt the beauty and moreover, like a wedding shot, you can say, but not exactly. So it had some studio touch as well. You know, that was quite nice. Still photography बहुत अच्छी रही. It's like उन्होंने मुझे बताया कि
कैसे कैसे poses दे सकती हूँ लड़कियों की तरह मैं. आज तक मैंने दिए नहीं कभी, but it's like कि हाँ बहुत अच्छा experience था. एक छोटी सी कोशिश, एक नई शुरुआत, and this is all we have to do. Sonal has discovered the new her with us. If you think you need a makeover or want to suggest your friend or family for a makeover, then email us on dazzlereternaloveyourself@gmail.com. Until next time, it's me, Akriti Anand. But remember to love yourself.